ये नहीं चाहते कि आप ना शाह महमूद का चेहरा देखें, ना उनकी आवाज़ सुने, ना इमरान खान का चेहरा देखें, ना इमरान खान साहब की आवाज़ सुने, क्योंकि इनकी आवाज़ सुनकर, इनका चेहरा देख के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज लाइव शो के दौरान राजा रियाज़ को मेहरबानो कुरैशी से बदतमीजी महंगी पड़ गई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने लीगी रहनुमा और राजा रियाज़ को ऐसी चतरोल की के लोटे ने खामोशी इख्तियार करने में ही भलाई समझी। आइए पहले इनकी गुफ्तगु सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये फरमाइए कि अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट तो आपकी आ गई, लेकिन बिकरिंग हो रही है कुछ तंजी अंदाज में, कभी मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया जाता है, कभी कुछ, कभी पोस्टिंग और ट्रांसफर पे जो है वो ठन जाती है। अब आपका इल्म नजूम या आपका दानिश क्या कह रही है कि ये कहानी किस तरफ शुरू हो गई है? ये जो अब नाराजगियों राणा सनाउल्ला साहब का बयान, इस पे आप कैसा, आपका टेक क्या है राजा साहब? जी शुक्रिया भाई, बात ये है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, माशी हालात हैं, और सियासी इस्तकाम भी आना चाहिए लेकिन बदकिस्मती से नहीं आ रहा, उसकी क्या वजूहत है मैं उस में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि मुल्क को सियासी तौर पे इस्तकाम मिले, और अगर सियासी तौर पे ना भी मिले तो माशी तौर पे फिर इस्तकाम के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। मुश्किलात ज़रूर आएंगी लेकिन उन मुश्किलात को दूर करना पड़ेगा और मुल्क को माशी तौर पे पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट देख लें, डॉलर देख लें, चीज़ें बेहतरी की तरफ, महंगाई कम होना शुरू हो गई है। तो लोग इस वक्त सबसे लोगों का बड़ा मसला है उनके बिजली के बिल और गैस के बिल, और उसके अलावा महंगाई, बच्चों की फीसें, ये सारी चीज़ें। तो मैं जो देख रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने हर सूरत अपना टेन्योर पूरा करना है, और इस टेन्योर में पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत मजबूत होगा, और पाकिस्तान माशी तौर पे जो बड़ी माशी तौर पे मुल्क हैं, मजबूत मुल्क हैं एशिया में, उनकी उनके साथ जा मिलेगा और उनके बराबर खड़ा हो जाएगा। ये इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि इस टेन्योर ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा भी करेगी। एक और बात, ये एक एक अलायंस भी बन रहा है आतिफ जई साहब के हवाले से बात आ रही है कि पीटीआई और सब उधर जाएंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से सख्त जो है रिएक्शन की बात भी की जा रही है। तो अगर वो पुरअमन एहतजाज करते हैं तो आपकी हुकूमत कैसे कैसे रिएक्ट करेगी, उनको उनका आईनी हक इस्तेमाल करने देगी पुरअमन प्रोटेस्ट का? जिस तरह आपने कहा है कि मैंने पहले कहा है कि अल्लाह करे सियासी इस्तकाम आए, लेकिन अगर सियासी इस्तकाम ना आया तो पुराना अमन जो प्रोटेस्ट है उससे कोई नहीं रोक सकता, वो होना चाहिए लेकिन एक कानून कायदे के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने पार्लियामेंट पे हमला करना है या अगर आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला करना है तो उसकी किसी को इजाज़त नहीं होगी, ना किसी को इतनी हिम्मत होगी कि वो कर पाए। बाकी प्रोटेस्ट के लिए ये जगह मांगे, मेरा ख्याल है जगह देनी चाहिए, वो जिस शहर में प्रोटेस्ट के लिए, हर शहर में जगह हैं, ग्राउंड हैं, इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड है, तो इसी तरह की जगह मांगे तो इनको देनी चाहिए। हम तो आज भी इनको कह रहे हैं कि आए बैठे काम के लिए, सियासी काम को लाएं। इवन अचक जई साहब को जगह नहीं मिली, उन्होंने बलोचिस्तान में जलसा करना चाहा, तो ये तो आपकी हुकूमत को चाहिए कि, और आप भी अपना वो यानी जो बात कर रहे हैं इनको जलसे की, तो ये सिर्फ केपीके में जलसा कर सकते हैं। कहता हूं कि जगह जो जगह हर शहर में है सियासी मुजाहरे करने के लिए, जुलूस करने के लिए, वो जगह मिलनी चाहिए। मैं तो इसके हक में हूँ, लेकिन वो उसके साथ साथ एक चीज को जहन में रखें कि वो मुजाहरे पुरअमन होने चाहिए। तो अगर ये पुरअमन मुजाहरे करते हैं और जो मकसूद जगह है उस जगह पे कतलामी माफ, जी जी हमने इतने हमने एहतजाज किए हैं, मुझे बता दीजिए कि अभी इलेक्शंस के बाद 4 दफा हमारी जमात आ चुकी है, हमें इजाजत नहीं दी गई, हमारे लोगों पर एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे पर्चे दायर किए गए, मगर हमारा एहतजाज पुरअमन रहा, ना कोई गमला टूटा, ना कोई बदजुबानी हुई, मगर उसके बावजूद हमारे लोगों को एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे बुक किया भुगता रहे हैं। तो ये एक सिर्फ बयानिया बन गया कि अगर हम कानून के दायरे में रहे, हम तो कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं, अपना आईनी हक जो है उसको एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। तो ये तो गुफ्तगू आती ही नहीं है
कि जी एहतजाज पुरअमन होगा। हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन रहा है। और अब अगर क्योंकि मुझे मौका मिला है, मैं राजा साहब से एक और सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ। उन्होंने शुरू शुरू में जो गुफ्तगू की स्टॉक मार्केट की, डॉलर की, मईशत की, महंगाई की, शर की, तो महंगाई की शर तो इस वक्त 28% पे है। और हमारा जहां तक मानना है और जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक एंड IMF, उनका भी मानना है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की शर है, वो और मजीद ऊपर जाएगी, चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हैं। IMF ने ये भी खदशा जाहिर किया है, या वर्ल्ड बैंक ने, कि 10 मिलियन लोग मजीद गुर्बत की लकीर के नीचे धकेले जाएंगे इस साल। IMF ने ये भी तकाजा किया है कि जो आपका डॉलर है वो 330 को क्रॉस करेगा, 350 तक जा सकता है अगले माली साल में। तो मुझे नहीं मालूम राजा साहब कौन सी महंगाई की और कौन सी मईशी बेहतरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मनफी ग्रोथ का भी उन्होंने कहा है, पिछले साल भी मनफी ग्रोथ हुई, इन्होंने नहीं माना। अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें यही दिख रहा है कि ग्रोथ मनफी थी आपकी इकोनॉमिक, और इस साल भी आपकी ग्रोथ नेगेटिव रहेगी। तो सनत वही है जो बंद है, एक्सपोर्ट्स वही हैं जो डिक्लाइन कर गए हैं, तो कौन सी मईशी बेहतरी की ये बात कर रहे हैं, कौन सा सुनहरा बाग है जो इनको नजर आ रहा है, जो ना किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को, ना किसी मईशत के एक्सपर्ट को नजर आता है, ना हमें नजर आता है, ना आवाम को नजर आ रहा है। नहीं, आपने ठीक कहा, मैं जरूर राज साहब मैं आपसे इसका भी जवाब लेता हूँ, मगर मेरा एक सवाल तृष्णा रह गया। बात यह है कि जावेद लतीफ साहब हों, राना सनाउल्ला साहब हों, साद रफीक साहब भी शामिल नहीं हुए कैबिनेट में, हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, और बर्मला अब खुल के जो जो है बावडा साहब की जो 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 वो बने हैं सेनेटर बने हैं, इस हवाले से तनकीद हो रही है जो मोहतरम मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, तो ये क्या है? आप हुकूमत में भी हैं और नाराज भी हैं, इस पर तो मुझे अपना टेक दें राजा साहब। मैं तो नाराज नहीं, पहले ये आपको बता दूं, आपने किस आपको किसी ने गलत बताया कि मैं नाराज हूं, मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूं। और मैं मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हूं। देखिए, मैं ये मोहतरमा ने जो बात की है ये एक हद तक दुरुस्त कर रही है। मैं महंगाई की बात की है, महंगाई हमारे हलकों में, हमारे शहरों में रमज़ान में बहुत महंगाई होती थी, इस दफ़ा वो कंट्रोल रही है और कुछ कम भी हुई है। जो स्टॉक मार्केट है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गए हैं, ये भी एक हकीकत है। डॉलर इस महीने में तकरीबन 1 रुपए के करीब सस्ता हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब IMF ने प्रोग्राम करना है, वर्ल्ड बैंक ने करना है, बिल्कुल ठीक है। और मैं अभी ये आपसे एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा, नाज़रीन ग्राम, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि राजा रियाज पहले तरीके इंसाफ का हिस्सा थे, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो राजा रियाज ने दीगर लोटों की तरह तरीके इंसाफ को छोड़ दिया और नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन इस बार इलेक्शन में पूरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। वजह सिर्फ यही थी कि आवाम इमरान खान की वजह से इसे पसंद करती थी, लेकिन जब इसने खान साहब को छोड़ दिया तो फिर इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का ही आना था। आज लाइव प्रोग्राम के दौरान राजा रियाज ने नून लीग की हुकूमत की तारीफ करते हुए मेहरबानों क्रेशी से भी माकूल आप सुन लिया। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू के बारे में आप तमाम नाज़रीन की क्या राय है कि वो सहकमी राय का इजहार जरूर करें।